व्हाट्सअप दोस्तों, मैं अनूप आप सभी को मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मेरे बैटरी का जो चार्जिंग पॉइंट है, मेरा नहीं, मेरे ई साइकिल का, इलेक्ट्रिक साइकिल का जो बैटरी जहां से मैं चार्ज करता हूं वो पॉइंट ख़राब हो गया है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह इसको मैं बदलता हूं। बैटरी ओपन करेंगे, लिथियम बैटरी इसको हम ओपन करेंगे, अंदर वाले कॉम्पोनेंट्स भी कुछ एक देखेंगे और किस तरह उसको चेंज किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। और बाकी जितना सारा डिटेल्स है वो मैं आप लोग को वीडियो चलते चलते मैं आप लोग को सब कुछ शेयर करूँगा। तो ये है वो लिथियम बैटरी, मतलब मेरे साइकिल का। अब इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने से, मतलब अगर आप लोग के पास भी ऐसा बैटरी, अगर आप लोग इसको ओपन करते हैं तो इसका ये क्या कहते हैं, वारंटी वर्ड हो सकता है। लेकिन मैंने कंपनी के साथ बातचीत किया है, कंपनी ने मुझे परमिशन दिया है इसको खोलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस पिन को बदलने के लिए। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका डैमेज वाला पिन दिखा देता हूँ कि कहाँ पर डैमेज हो गया है। ये वाला जो चार्जिंग पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं, ये इधर सफ़ेद सा जो है, इधर प्लेट जैसा, ये वाला इस सेंटर वाले पिन के साथ टच हो जा रहा है, मतलब वो टूट गया है। ओरिजिनल में जिस तरह इसको इस तरह रहना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए अंदर से कुछ इस तरह, लेकिन ये होके बैठा है कुछ इस तरीके से। सो अभी हम इस बैटरी को खोलेंगे, उसके बाद जो काम करना है वो हम लोग करेंगे। अभी इस बैटरी को ओपन करते हैं। यहाँ पे स्क्रू सब है, स्क्रू सब को हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद ओपन करने के बाद आप लोग को हम दिखाते हैं किस तरह अंदर दिखता है और किस तरह मैं बदलने वाला हूँ इस पिन को। जितने सारे स्क्रूज है सबको खोल लिया। मैं थोड़ा एक चीज़ को लेकर सरप्राइज हो गया कि ये लंबा स्क्रू इसमें से निकला। आई एम क्वाइट सरप्राइज, ये लंबा स्क्रू यहाँ से ही क्यों निकला। तो अभी इसको ओपन करते हैं। एक हाथ से ओपन करना और वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं इसको सामने रख देता हूँ, कुछ इस जगह के तरफ करीब रख दूँगा और उसके बाद मैं इसको आप लोग को दिखाता हूँ। तो इसलिए ओपन किया जा रहा है, इधर से ओपन हो चुका है। ओके, अब आप लोग को कुछ अंदर वाला थोड़ा सीनरी दिखा देते हैं। रुकिए, कैमरा को घुमा लेते हैं। तो ये है आपका बैटरी, लिथियम बैटरी। इसके अंदर है सेल, इस सब में सेल है, लिथियम बैटरी है। ये है इसका चार्जिंग पॉइंट जहाँ पे जिसको मुझे बदलना है। और इसी के अंदर आपका BMS भी है, लेकिन हम लोग इसको छेड़छाड़ी कुछ नहीं करेंगे, मतलब इसको कुछ निकालेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको निकालते तो मेरा जो बैटरी का वारंटी पीरियड है या जो भी है वो वॉइड हो सकता है। क्योंकि कंपनी के साथ मेरा वही बातचीत हुआ कि मुझे सिर्फ इसको खोलने के लिए ही, मैं इसको, मतलब इसको चेंज करने के लिए मैं सिर्फ इसको खोलूँगा, इसको कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। और फॉर द सेफ साइड मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूँ। तो चलिए इसको बदलते हैं और उसके बाद जो बातचीत करना है करते हैं। सो ये है उसका चार्जिंग पॉइंट। तो इसका वाला जो कवर है तो इसको थोड़ा खोल लेना है, निकाल लेना है, इसको कट नहीं रहा है तो इसको ब्लेड से थोड़ा काट लेंगे और उसके बाद सोल्डरिंग आयरन से इसको हीट करके निकाल लेते हैं। तो इधर वाला ये जो कवर था इसको मैंने खोल लिया, अब बस इसको सोल्डरिंग करके निकाल लेना है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी फटाक से मैं निकाल ले रहा हूँ और उसके बाद आप लोग को मैं सोल्डरिंग करने के बाद मैं दिखाता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस पार्ट को ही चेंज कर रहा हूँ, इसमें कोई भी छेड़खानी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब सॉरी फोकस हो जा। सो इसको मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, ये जैसा है एज इट इज़ उसको रिमेन रहने दे रहा हूँ। तो बस इसको थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो ये दोनों तार खुल चुका है, ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, इसी से चार्जिंग होता है। तो इसमें मैं कैसे समझूंगा
इस वाले पिन में मैं कैसे समझूंगा कि इसमें से कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सेंटर वाला पॉइंट रहता है वो होता है पॉजिटिव, और इधर जो साइड वाला वॉल का रहता है वो होता है नेगेटिव। तो इधर जो इसका सेंटर है, जो सेंटर पिन है, उसका जो पॉइंट है वो है ये बीच वाला, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा फोकस करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो पॉइंट है ये है पॉजिटिव, और बाकी ये दोनों में से इधर जो साइड पे है ये वाला है इसका नेगेटिव। तो इसके साथ पॉजिटिव टच कर देना और इसके साथ नेगेटिव, रेड वायर ब्लैक वायर। बस फोकस हो भी नहीं रहा। हाँ, तो ये है वो पिन निकल चुका है, और इसका जो कवर है इसको सिर्फ खोल लेंगे, और खोलने के बाद जो दूसरा वाला है उसको इसमें फिट करके हम कनेक्ट कर लेंगे। तो इधर कनेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट आ गया, यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं, और अब सिर्फ वायरिंग वाला सबको कनेक्ट कर लेना, उसके बाद बाकी सब हम दिखा रहे हैं। इधर पे मैंने कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे जितना सारा कनेक्शन करना था कर लिया, यहाँ पर भी मैंने चार्जर ऑन कर लिया, अब बस इस पर कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट करते हैं जल्दी से। इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी ये चार्ज नहीं ले रहा है। चार्ज नहीं लेने का सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे अचानक से अभी नज़र आया वो यहाँ पर है कि यहाँ पर नेगेटिव वायर दिख रहे हैं कटा हुआ, ये पहले से दबा हुआ था, और जब अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये पहले से देख रहे हैं कटा हुआ है, इस जगह से ये दबा हुआ था प्रॉपर, इस जगह से दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ, तो फॉर सम रीज़न ये देख रहे हैं यहाँ पे कटा हुआ। तो अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको बस इसको और इसको काट के जोड़ देना है फ़िलहाल के लिए, तो यही करके इसको स्टार्ट कर लेना है। तो फ़िलहाल इसको जल्दी से मैं इसको मतलब कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को फाइनल रिज़ल्ट मैं दिखा रहा हूँ। इसमें से बहुत किसी को लग सकता है कि इसको मैंने फाड़ा है या कुछ ऐसा किया है, लेकिन ओरिजिनली में ये अंदर से ही फट गया। तो इसको मैं माइक्रोस्कोप जो मोड होता है उसमें मैं कन्वर्ट करके मैं इसका एक फ़ोटो आप लोग को इसके साथ अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया प्रॉपर तरीके से इसको सोल्डरिंग, आप बस इसको कवर कर लेना, और कवर कर लेने के बाद इसको पूरी तरीके से ढक देना है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से कनेक्शन सब हो चुका, मैं सबको सही तरीके से बिठा चुका हूँ। यहाँ पे जो वायरिंग वाला प्रॉब्लम था उसको मैंने ठीक कर दिया, इसको सही से करके इसको सोल्डरिंग कर दिया है, सब इट्स ओके। यहाँ पर मैंने कोई भी छेड़खानी नहीं किया है, ना इसका मैंने इसको लिफ्ट अप किया, जैसा पैकिंग था वैसा ही रहने दिया। बस आप लोग को सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये है सेल सब, जितने सारे बैटरीज हैं ये पूरे के पूरे बैटरीज हैं, और इसके नीचे तरफ इसका BMS है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो है। वो किस तरह दिखता है मैं आप लोग को दिखा तक नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको उठाता हूँ तो मैं कंपनी के सेटअप के साथ मैं थोड़ा छेड़खानी करूँगा, तो मैं छेड़खानी नहीं करना चाहता हूँ। जैसा है वैसा ही है, कंपनी ने जितना मुझे इंस्ट्रक्ट किया था मैं उतना कर चुका हूँ। मैंने इसको सेट कर लिया, इसको मैंने चेक कर लिया है, और इट्स ऑल ओके। अब मैं सिर्फ इसको फिटिंग करके आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ और कनेक्ट भी कर देता हूँ। तो मैंने कर दिया इस बैटरी को फिट पूरी तरीके से, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुआ, और इसको साइकिल पर भी मैंने बिठा दिया। अब जो देखना है कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ पर ऑन हो गया, लाइट भी जल रहा है, इधर लाइट दिख रहा है आप लोग को, और इधर हॉर्न। सो बैटरी ओके हो गया, और सबसे बड़ी बात है चार्जिंग भी हो रहा है।
चार्जिंग भी हो रहा है। सो मैं अल्ट्रा बाइक्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया सपोर्ट किया अपने सर्विस से। गुजरात से वेस्ट बंगाल में एक प्रोडक्ट सेंड करना मजाक वाली बात नहीं है, वो भी 3 दिन के अंदर। तो उन्होंने 3 से 4 दिन के अंदर में मुझे ये चार्जिंग वाला जो पॉइंट था वो मुझे सेंड कर दिया बस। और उन्होंने सबसे बड़ा ये सपोर्ट मुझे किया क्योंकि मुझे बेसिकली थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज तो पता था, और तो उन्होंने मुझे ये परमिशन दिया कि इस बैटरी को ओपन करने के लिए। तो मैंने इसको ओपन भी किया और सही तरीके से काम किया, चल भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उसके लिए मैं अल्ट्रा बाइक्स का फिर से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे बैटरी का जो वारंटी है उसको वॉयड होने नहीं दिया। फॉर दैट आई रियली थैंक यू। और बस इस वीडियो को मैं यही कह के एंड करूँगा कि ऑलवेज वेयर हेलमेट, रेस्पेक्ट अदर एंड।